दोस्तों, ये वीडियो मैं इसके लिए बनाने के लिए जा रहा हूँ कि जो लोग नए रहते हैं सीखने वाले और कुछ मशीन वगैरह में कैसा आर्मेचर लगता है, कैसा नहीं लगता है, कैसा गियर लगता है, कैसा नहीं लगता है, तो इस कन्फ्यूजन में पूरा मशीन खोलना पड़ता है। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, मैं एक नया आर्मेचर और एक गियर लिया हुआ हूँ। अब चलिए बात करेंगे इसमें कि ये कौन सी मशीन में लगने वाला आर्मेचर है और कौन सी मशीन में लगने वाला ये गियर है। चलिए मैं कुछ पुराना आर्मेचर दिखा देता हूँ जो ख़राब हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये आर्मेचर है और इसका जो ये सॉफ्ट के साथ में ये गियर अटैच रहता है, पूरा सॉफ्ट के साथ में ही इसमें गियर बने रहते हैं। तो ये दांते पूरे घिस गए हैं। पीछे से इसका कम्यूटेटर भी बिल्कुल ओके है और बाकी पूरा आर्मेचर एकदम सही है, लेकिन ये ओवरलोड चलने की वजह से ये मशीन का जो ये दांते आते हैं गियर के, ये घिस चुके हैं। और ये इसका नया गियर है, ये देख सकते हो आप लोग, ये नया गियर है। अभी मैं पुराना भी गियर आपको दिखा देता हूँ एक बार और मशीन का दिखा देता हूँ कि ये कौन से मॉडल नंबर का है। तो ये देख सकते हो, ये कुछ स्किल कंपनी का, स्किल कंपनी का जो कि अच्छा मशीन आता है और ये 3220 मॉडल नंबर है इसका। अगर वोल्टेज की बात करें तो 220 वोल्ट, 230 वोल्ट ये मशीन इतना इनपुट करता है जो वोल्टेज होता है। बात करें इसका एम्पियर का तो 9.1 एम्पियर का मशीन है ये और 2000 वाट का इसका कैपेसिटी है। और जो मिनिमम घूमने का जो इसका स्पीड रहता है वो 3800 रहता है और 355 mm का ये कट ऑफ मशीन रहता है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने कि इस मशीन के अंदर ये हमारा जो आर्मेचर मैंने नया लिया हुआ है और गियर लिया हुआ है, ये इसके अंदर सेट होगा। अभी ये आर्मेचर में देखिए कितने दांते रहते हैं, ये छः दांते लगे रहते हैं इसमें जो है यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह का इसका कम्यूटेटर लगा हुआ है और आर्मेचर आपको बड़े पावर टूल्स की शॉप में आपको आराम से मिल जाएगा। ये थोड़ी कॉस्टली रहता है, तो इसके साथ हो सके तो ये गियर भी हम लोगों को नया ही चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए पुराने गियर का जो मैं पोजीशन दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस टाइप का पोजीशन हो गया है इसका। लेकिन अगर हम इसी के अंदर ये पुराना वाला गियर चल तो सकता है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है। दोनों साइड में देखिए जो बात, ये दोनों साइड में घिस गया है और ये चल सकता है। लेकिन अभी क्या है, अगर हम वही डाल देंगे और नया आर्मेचर थोड़ी कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, तो जिस तरह से इसके दांते ख़राब हुए हैं, जैसे ही उसके ऊपर ओवरलोड पड़ेगा या तो फिर गियर के दांते ख़राब हो जाएंगे और या फिर हमारा जो आर्मेचर है, आर्मेचर के दांते ख़राब हो जाएंगे, और या तो फिर दोनों के भी ख़राब हो सकते हैं, इसके भी ख़राब हो सकते हैं और आर्मेचर के गियर के भी दांते ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर हम लोगों के लिए यही होगा कि अगर गियर कुछ इस पोजीशन में है तो हमको इसका गियर और ये आर्मेचर, खैर आर्मेचर तो चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन गियर भी साथ में चेंज कर देंगे तो हमारी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। और ये ओवरलोड की वजह से होता है। और इस मशीन का पूरा रिपेयरिंग का भी वीडियो मैं आगे चैनल पे डालने वाला हूँ कि कैसे हमको गियर निकालना है, फिट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।